बढ़ती महंगाई का असर लग्जरी गाड़ियों का शौक रखने वालों पर भी अब पड़ना शुरू हो चुका है। वैश्विक कोरोना महामारी के शुरू होने से पहले तक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इंडस्ट्री बेहद सामान्य तरीके से चल रही थी, जिसके चलते लोग अपनी पसंदीदा कार को खरीद सकते थे। लेकिन अब वैश्विक स्तर पर गाड़ियों की कमी होने की वजह से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और ये संभव है कि उन्हें अपनी कार खरीदने में कई महीनों का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि नई कारें उपलब्ध न होने की वजह से कारों के नए मॉडल्स की कीमतें आसमान छूने को तैयार है। साथ ही पुरानी कारों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बाजार में कारों के नए उत्पाद उपलब्ध न होने की वजह से पुरानी गाड़ियों की मांग काफी बढ़ चुकी है। इसकी वजह से अमेरिका में सेकेंड हैंड कार की औसत कीमत $25,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वैश्विक प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इसको समझने के लिए हमें नजर डालनी होगी मैक्सिको पर, क्योंकि मैक्सिको दुनिया में चौथा सबसे बड़ा ऑटो निर्यातक और सातवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अपने उत्पादन के 80% हिस्से को निर्यात करने वाले ये देश लैटिन अमेरिका और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे आगे है। साथ ही अब इस देश को भी कारों के निर्माण में वैश्विक कमी के प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ बढ़ते प्रदूषण की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की ओर से लगातार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही 2019 में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में भी सरकार ने ऐलान किया था इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार इनकम टैक्स में भी छूट दे रही है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक चालित करने का है। वहीं इस अवधि में अपना पर्सनल वाहन रखने वालों को 40% तक इलेक्ट्रिक चालित करने का लक्ष्य है। 2020 में दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में ऐसी कई कारें पेश की गई जिससे अब लोगों को इलेक्ट्रिक कार का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। साल 2020 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी मिनी SUV KUV100 का एक इलेक्ट्रिक अवतार लॉन्च किया, जिसकी कीमत 8,25,000 रुपये रखी गई है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपनी निजी गाड़ी रखने वालों में भारत में उपलब्ध ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। वहीं टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV के इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत करीब 14 लाख रुपए है, जो अपने काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ बाजार में उपलब्ध है। टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में आपको बताएं तो ये जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड का भी मालिक है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ी अपनी योजना को लेकर काफ़ी उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।